धर्मों का लेन देन। अधिकांश शास्त्रों में वर्णित है कि बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर वही आता है जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था जो अनाथ था, जो अपना वेतन फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी फौज में माल सप्लाई करते थे, उनका परिचय हो गया फौजी से। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़े हैं, तुम मुझे दे दो, कारोबार में लगा दूँ तो पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया, सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया, सेठ जी का कारोबार चमकने लगा, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े दिन युद्ध शुरू हो गया। फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया, वह जितनी ज़ोर ज़ोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज़ घोड़ी भागी, खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी तो मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए, उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। तब तक वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था, सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई, दुल्हन आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब तो कारोबार संभाल ही लेगा। लेकिन कुछ दिन में बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दे रहे हैं दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती जा रही, पैसा बर्बाद हो रहा और बीमारी बढ़ती जा रही, रोग ठीक नहीं हो रहा है, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए घर आ गए। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, बेटा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अभी बीमार हो गया, शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अभी बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, अब इसका अंतिम समय है। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, दो आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, दो आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया, पुड़िया ले आए, बेटे को खिलाई, वह पुड़िया खाते ही मर गया। जब बच्चा मर गया, अब सेठ जी रो रहे हैं। सेठ जी और उनके परिवार के साथ साथ पूरे गांव की वालों की आंखों में भी आंसू थे। तब तक एक सिद्ध महात्मा जी आए, उन्होंने सबके रोने का कारण पूछा, लोगों ने बताया इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसके लिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी रो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा कहने लगे, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था, सेठ समझ गए कि यह सिद्ध महात्मा है, वह कहने लगे, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा व्यंग से बोले कि, और उस दिन तो आपको खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बोला, किस दिन? अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। फिर महात्मा कहने लगे, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शोक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को दिलवा दिया। अब जब दो आने पैसे बच गए, वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिए। जब सब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया, सेठ जी रोने लगे कि हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ जो सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनकर चला गया, उसका क्या जुर्म था, उसके साथ ऐसा गुनाह किया। महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया।
हमारे साथ जिसके जितने जितने कर्मों के लेन देन के संबंध है, उतनी देर में वे लोग हमारे साथ भावों और व्यवहारों का आदान प्रदान करते हैं। यदि वे अच्छे होते तो हमारी संतान दीर्घायु और उत्तम आचरण वाली होती, अन्यथा अल्पायु या जीवन भर दुखी करने के लिए उत्पन्न होती है। जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। तभी कुछ लोग धनी और साधन संपन्न और कुछ दो जून की रोटी के लिए तरस जाते हैं। कुछ बच्चे स्वस्थ और वैभव में पलते हैं, यहाँ तक कि पालतू जानवरों को भी बच्चों जैसा लाड़ प्यार, उत्तम भोजन और आरामदेह बिस्तर और वस्त्र पहनने को मिलते हैं। हाँ, जिनकी आध्यात्मिकता में रुचि होती है और परोपकारी और नम्र स्वभाव के होते हैं, गलत कर्मों से दूर रहने की यथासंभव कोशिश करते हैं, ईश्वर के स्मरण को दिनचर्या में समय ही देते हैं, ईश्वर की रजा में राजी रहते हैं, उनके पिछले बुरे कर्मों का भुगतान सूली से काटे के रूप में ईश्वर द्वारा कृपा से हो जाता है, यानी 2 किलो का कष्ट 2 ग्राम में भुगतान हो जाता है। सभी भारतीय शास्त्र इन तथ्यों का प्रतिपादन करते हैं। हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में कौन से कर्म करके आए। यदि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, अपने आत्मा का कल्याण चाहते हैं, तो ईश्वर स्मरण को अपनी दिनचर्या में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, जिससे हमारे कर्म अच्छे रहे, सोच सकारात्मक रहे और हम कष्ट के भागी ना बने। यदि पिछले अधिक नकारात्मक कर्मों के कारण कष्ट झेलना जरूरी हो भी जाए तो उसकी भयावहता ईश्वर को